दोस्तों सोलर पैनल जो कि एनर्जी का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता रिन्यूएबल सोर्स है। और दोस्तों सबसे पहले 1839 के अंदर एडमोंड बेक्वेरेल ने फोटोवोल्टिक इफेक्ट दिया। दोस्तों फोटोवोल्टिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसके द्वारा जब भी किसी सेमीकंडक्टर या फिर कंडक्टर मटेरियल को लाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट या फिर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इसी फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण आज सोलर पैनल का आविष्कार संभव हो सका है। जिसके बाद 1881 में चार्ल्स फ्रिच ने सबसे पहले कमर्शियली यूज के लिए सोलर पैनल बनाए। सोलर पैनल एक ऐसी प्लेट होती है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स को प्लेस किया जाता है और जहाँ पर सोलर सेल्स सिलिकॉन बाउल्स के बने होते हैं। सिलिकॉन जो कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है और ये एक सेमीकंडक्टर है जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। और जब इन सोलर पैनल को सनलाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है सनलाइट के अंदर प्रेजेंट फोटोन पार्टिकल सोलर सेल पर स्ट्राइक करते हैं जिसके बाद सिलिकॉन एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होकर सर्किट के अंदर फ्लो करना शुरू करते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है।